अल्लाह अपना तारुफ फरमा रहा है, अपने को पहचानवा रहा है। जब कोई ज़ात कोई शख्सियत अपने को पहचानवाती है तो अपने कमालात बयान करती है, अपने सिफात बयान करती है। मगर कुदरत ने अजीब अंदाज अख्तियार फरमाया है, अपने को पहचानवा रहा है, मगर सिफात रसूलुल्लाह के बयान किए जा रहे हैं, कमालात रसूलुल्लाह के बयान किए जा रहे हैं। मैं ऐसा अल्लाह हूँ कि जितने ऐसा रसूल भेजा, तसव्वुर कीजिए वो रसूल कितना अजीम होगा कि जिसके जरिए परवरदिगार अपने को पहचानवा रहा है, उनका तारुफ करवा रहा है। कहा जाता है, कुछ लोग कह देते हैं गलत फहमी में कि रसूल हमारे ही जैसे, बहरहाल वो गलत फहमी है उनकी, वो इंशाल्लाह मैं दूर हो जाएगी मेरे चंद जुमलों से, वो गलत फहमी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। आप देखिए, रसूल भी कह रहे हैं और अपना जैसा भी कह रहे हैं। रसूल कौन होता है? जिसको कुदरत पूरी कायनात में मुंतखब करे, जिसको अल्लाह पूरी कायनात में मुंतखब करे, उसको रिसालत का ओहदा दिया जाता है। मिसाल पेश कर दूँ बच्चों जवानों के लिए, हमको भी जब अपने लिए कोई चीज़ मुंतखब करना होती है तो हर शय में बेहतर से बेहतर चीज़ का इंतखाब करते हैं। अगर हमें अपने बाग के लिए दरख्तों की जरूरत होती है तो जंगली दरख्त नहीं लगाते बल्कि बेहतरीन हमारी निगाह में दरख्त वो लगाते हैं। जब फूलों की जरूरत होती है तो जंगली फूल नहीं लगाते बल्कि गुलाब और मोतियों चमेली को लगाते हैं। जब अंगूठी के लिए नगीने की जरूरत होती है तो ज़मीन पर पड़े पत्थर को हम मुंतखब नहीं करते बल्कि हीरे और मोती को मुंतखब करते हैं। तो जिस तरह से हमने जब किसी चीज़ का इंतखाब किया तो अपनी निगाह में जो बेहतर से बेहतर चीज़ थी उसको मुंतखब किया, तो जब अल्लाह ने मुंतखब किया है जो अल्लाह की निगाह में बेहतर से बेहतर था उसको मुंतखब किया। यही वजह है कि ज़मीनों में काबे की ज़मीन को चुना, पत्थरों में हजर अस्वद को मुंतखब किया, पहाड़ों में कोहे तूर को मुंतखब किया, दरख्तों में शजर तूर को मुंतखब किया, चश्मे में जमजम पर निगाह इंतखाब पड़ी, और मलाइका में जिब्रील को चुनकर सरदार मलक बनाया। जब पूरी कायनात में इंतखाब का वक्त आया तो इंसान को चुनकर अशरफुल मखलूकात बनाया। इंसानों में अंबिया का इंतखाब है, अंबिया में रसूलों को चुना है, रसूलों में उलूल अज़्म पैगम्बरों को मुंतखब किया है, उलूल अज़्म पैगम्बरों में अपने हबीब खास मोहम्मद मुस्तफ़ा को चुनकर अपना महबूब बनाया है। तो ये रसूल की ज़ात नहीं है, पूरी कायनात का इत्र है जो हमारे सामने पेश किया है। यह है अज़मत रसूलुल्लाह की, यह अज़मत और शर्फ रसूलुल्लाह का। मैं एक मिनट लेना चाहता हूँ पढ़े लिखे मजमे के लिए। आप देखें कि और जितनी भी इलाही किताबें हैं, चाहे ज़बूर हो, चाहे तौरात हो, चाहे इंजील हो, या और जो सहीफे जो ईसाई हज़रात मुंतखब किए हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कोई आयत कहीं नाजिल हुई हो, कोई आयत कहीं नाजिल हुई हो, कोई सूरह कहीं नाजिल हुआ हो, कोई सूरह कहीं नाजिल हुआ। लेकिन कुरान मजीद की खसूसियत क्या है कि शान नज़ूल में पूरी पूरी किताबें हैं। फ़ला आयत फ़ला मकाम पर नाजिल हुई, फ़ला सूरह फ़ला मकाम पर नाजिल हुआ, फ़ला सूरह फ़ला मकाम पर नाजिल हुआ। जब उलमा ने पूछा ये आखिर ये फ़र्क क्यों हुआ, ना इंजील में ये बात है, ना तौरात में ये बात है, ना ज़बूर में है, न सहीफ़ इब्राहिमी में है, न सहीफ़ नूह में है, न सहीफ़ जनाब सलमान में है, कोई यहाँ किसी में नहीं मिल रहा है। कुरान मजीद में क्या है, कोई आयत कहीं नाजिल हो रही है, कोई सूरह कहीं नाजिल हो रहा है, ये फ़र्क क्यों हुआ? तो उलमा ने बताया कि जब किसी नबी को, बहुत तवज्जो रहे मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, जब भी किसी नबी को अल्लाह को कोई किताब देना हुई तो अल्लाह ने उस नबी को बुलाया, आओ और किताब ले जाओ, आओ और किताब ले जाओ, ए मूसा अगर तौरात चाहिए है तो खुद को है तूर पर आ जाओ। गए और वहाँ पूरी किताब ले ली। लिहाजा अब तौरात में ये नहीं मिलेगा कि कोई सूरा कहीं नाजिल हुआ, कोई सूरा कहीं नाजिल हुआ। इसी तरह से जब इंजील के नज़ूल का वक्त आया तो जनाब ईसा को आवाज़ दी कि कोई इकलील पर आ जाओ जो आज भी मिस्र में मौजूद है, वहाँ गए और पूरी किताब उनको दे दी गई। लिहाजा अब इंजील में नहीं मिलेगा आपको कि कोई सूरा कहीं, कोई आयत कहीं, लेकिन अब कुरान के नज़ूल का वक्त आया तो अल्लाह की आवाज़ आती है। एक कुरान किसी गलत फहमी में ना रहना। अरे अब तक जिनके बाद किताबों को दिया गया था वो सिर्फ नबी थे, एक कुरान तुझे जिसके पास जाना है वो सिर्फ नबी नहीं, मेरा महबूब भी है, मेरा महबूब भी है, लिहाजा अपने हबीब को ज़हमत नहीं दूंगा। एक कुरान तुम्हें ज़हमत करना पड़ेगी, अगर घर में है तो वहाँ जाना, अगर हरम में है तो वहाँ जाना, अगर गार हिरा में है तो वहाँ जाना, अगर गौर धार सौर में तो वहाँ जाना, हालत बद में है तो वहाँ जाना, हालत रद में है तो वहाँ जाना, अगर मक्के में है तो मक्की बन जाना, अगर मदीने में है तो मदनी बन जाना।
سلامت حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ان کو جو بھی کہتے ہیں اپنا جیسا تو استغفر اللہ انشاءاللہ ان کی اصلاح ہو جائے گی اور انشاءاللہ ان کا عقیدہ درست ہو جائے گا. انہی کی لخت جگر فاطمہ زہرا ہے, اللہم صلی علی محمد. انہی کے لخت جگر امام حسن ہے, انہی کے لخت جگر امام زین العابدین ہے, انہی کے لخت جگر ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام ہے, انہی کے لخت جگر ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. لہٰذا ان کی قبور جو منحرم ہوئی ہیں تو یہ رسول کے دل کے ٹکڑے ہیں, تو رسول کے دل کے ٹکڑوں کی قبر کو مدھم منہدم کرنے کا مطلب یہ کہ رسول کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے, رسول کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے جنہیں قبروں کو منہدم کیا. اور صحاب رسول کی قبریں ہیں وہاں پر, جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی وہاں پر قبر ہے, جناب عبداللہ ابن مسعود کی وہاں پر قبر ہے, امہات المومنین کی قبر ہے وہاں پر, جناب ام سلمہ کی وہاں قبر ہے, جناب ام حبیبہ کی وہاں قبر ہے, جناب ماریہ قبطیہ کی وہاں قبر ہے, بڑے بڑے جناب عباس وہ تو وہاں پر مکے میں ہیں, مکے میں جو بھی اتنی تباہی بربادی مچی ہے وہاں بھی جناب خدیجہ کی قبر وہاں کے اوپر ہے, جناب ابو طالب ابو طالب کی قبر وہاں, محسن اسلام جناب ابو طالب کی قبر وہاں کے اوپر, اسی طرح سے جناب عبد المطلب کی قبر وہاں پر ہے. ان قبروں کا تعمیر ہونا ضروری ہے, اگر صحیح معنی میں مسلمان ہے تو قبروں کو تعمیر کر کے رہیں گے اور ان شاء اللہ قبریں تعمیر ہو کے رہیں گے. ہم دعا مانگیں یہاں سے اس قبر سے, اس محبوب الہی جو ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں جو جن کے لیے جن کو ولی اللہ ہم سمجھتے ہیں, ان کو ان کی قبر کے ہم واسطہ بناتے ہیں کہ پالنے والے جلد سے جلد اس قبر مبارک تو سے واسطہ ہے کہ وہاں جلد سے جلد قبر تعمیر ہو جائے, کیونکہ انہی کے اجداد ہیں جو وہاں دفن ہیں, انہی کے اجداد جو وہاں دفن ہیں. انشاءاللہ یہ جو آج جلسہ ہوا جس مقصد سے ہے انشاءاللہ یہ مقصد جلد سے جلد پورا ہوگا اور وہاں انشاءاللہ وہاں لوگوں کو ہدایت ہوگی وہاں کے بادشاہوں کو اور انشاءاللہ وہاں کے اوپر قبریں اور روزے دوبارہ تعمیر ہوں گے.